हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आनंद व्यास फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त हैं, एंजॉय भी कर रहे हैं। और मैं आ चुका हूं कंज्यूमर बिहेवियर एंड मार्केटिंग कम्युनिकेशन के लास्ट अंतिम प्रहार के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। मतलब लास्ट क्वेश्चन भी हो गया है हमारा, 11वां क्वेश्चन भी आ चुका है। अब यहाँ तक कि अपना सफर कैसा रहा, क्या आपको पूरी अंतिम प्रहार की जो हमने न्यू सीरीज दी आपको समझ में आया, जो डिटेल वीडियो थे क्या आपने उनको देखा, कोई अगर टॉपिक रह रहा है तो अपन ने अंतिम प्रहार में उसको कवर अप करा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपन ने कवर अप करने की कोशिश करी है, लेकिन मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि डिटेल वीडियो देखना ना भूलें। अंतिम प्रहार भी आपका हेल्पिंग हैंड है, लेकिन डिटेल वीडियो एक ब्रह्मास्त्र की तरह है, जो आपको कहीं भी कोई भी कैसा भी क्वेश्चन आएगा उसका सोल्यूशन वहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। और आप सभी बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, बहुत अच्छा पेपर जाने वाला है। आइए देख लेते हैं 11वां क्वेश्चन क्या है अपना। ये क्वेश्चन है कंज्यूमर एंड ट्रेड ओरिएंटेड सेल्स प्रमोशन डिफरेंस। अब यहां पर दो वर्ड है देखना, है ना, एक कंज्यूमर सेल्स प्रमोशन है और एक ट्रेड ओरिएंटेड सेल्स प्रमोशन है। तो देखो, आपको बहुत इजीली मैं ये याद करवा देता हूं। जब कंज्यूमर है तो ये मान के चलिए कि कंज्यूमर ओरिएंटेड क्या है, जब मैन्युफैक्चरर भैया मिस्टर पिंटू को सीधे कोई सेल्स प्रमोशन कर देते हैं, सेल्स प्रमोशन सीधे डायरेक्ट सेलिंग के लिए या उनका प्रोडक्ट के बारे में सेल्स प्रमोशन कर रहे हैं, किसको कर रहे हैं, पिंटू जी को कर रहे हैं, ठीक है। पिंटू जी कौन है, कस्टमर है, जो बाद में जाके कंज्यूमर बनेंगे बायर बनेंगे वो डिफरेंट टर्म है, बात समझ में आई। अगर मैन्युफैक्चरर सीधे जाके किसी कस्टमर या टारगेट ऑडियंस को रीच करता है तो वो क्या कहलाता है अपना, कंज्यूमर ओरिएंटेड। और अगर कोई मैन्युफैक्चरर अपनी होलसेलर को या रिटेलर को या डिस्ट्रीब्यूटर को कोई सेल्स पिच करता है या इनके लिए कोई प्रमोशन करता है तो वो क्या कहलाता है, ट्रेड ओरिएंटेड। कौन सा ओरिएंटेड, ट्रेड ओरिएंटेड, यानी व्यापार बढ़ाने के लिए अगर अपन ने कोई प्रमोशनल टेक्निक अपनाई जिसमें होलसेलर रिटेलर और डिस्ट्रीब्यूटर या एजेंट फ्रेंचाइजी इनको अपन ने कोई सेल्स प्रमोशन की टूल्स एंड टेक्निक अपनाई तो वो कहलाता है ट्रेड ओरिएंटेड। और अगर कंज्यूमर को मिस्टर पिंटू जी को सीधा कोई प्रोडक्ट पहुंचा दिया गया, फ्री सैंपल एडवर्टीजमेंट बिलबोर्ड जिसके भी थ्रू सोशल मीडिया एडवर्टीजमेंट किया गया, कुछ प्रमोशन एडवेंट किया गया, वो सभी क्या कहलाएगा, कस्टमर ओरिएंटेड। यहां का पर्पस क्या है, कस्टमर ओरिएंटेड का पर्पस क्या है, कस्टमर से सेल जनरेट करना, यहां पर सेल डायरेक्ट सेल जनरेट करना। और यहां पर प्रमोशन, बिजनेस को प्रमोट करेंगे तो बिजनेस का इनडायरेक्ट सेल से, बिजनेस प्रमोट होगा तो सेल्स जनरेट होगी होगी। जैसे कि मैं आपको एक कंपनी का एग्जांपल देता हूं, प्रिंटर में कंपनी है कैनन। कैनन क्या करती है कि साल में एक बार उसके जितने भी फ्रेंचाइजी होते हैं या सर्विस एजेंट होते हैं उन सब की मीटिंग रखती है। कहाँ रखती है, कहीं बाहर रख रही होती है, कहीं थाईलैंड रख ली, इस बार लास्ट ईयर की तो शायद गोवा में थी, है ना, मतलब कि किसी विजिटिंग प्लेस पे होती है, वहाँ पे 3-4 दिन के लिए उन सबको बुलाती है, मस्त 5-स्टार होटल में रखती है, खाना वाना देती है, अपने नए प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देती है, नए सर्विसेज के बारे में जानकारी देती है, नए रूल्स रेगुलेशन के बारे में जानकारी देती है, प्रोटोकॉल होता है और उनका साइट सीन होता है, पूरा कल्चरल इवेंट भी के कराए जाते हैं। इससे क्या होता है, जो होलसेलर रिटेलर होते हैं उनको काफी अच्छा लगता है क्योंकि और दूसरी कोई कंपनी नहीं दे रही। अब मान लो कि अपन ने किसी का फ्रेंचाइजी ले ली, वो अपन को कुछ इस तरीके का बेनिफिट नहीं दे रहा लेकिन कैनन दे रही, तो अपन क्या सोचेगा कि भैया एप्सोन का प्रिंटर नहीं रखते अपन, कैनन का प्रिंटर रखेंगे, हम एचपी का प्रिंटर नहीं रखेंगे हम कैनन का प्रिंटर रखेंगे, क्यों, क्योंकि वो सेल्स प्रमोशन दे रही, वो हमको भी कुछ बेनिफिट दे रही है वो एक बार। बहुत सी कंपनीज हमने ऐसी देखी है जो साल में एक बार वर्ल्ड टूर तक का ऑफर देती है, यानी कि इंटरनेशनल टूर तक का ऑफर दे देती है कि जाइए आप साल में एक बार घूम कर आइए विद फैमिली, 7 दिन 6 दिन का पूरा खर्चा कंपनी देगी। या ये किन के लिए, होलसेलर रिटेलर के, इससे क्या होगा, होलसेलर बंदा रहेगा, होलसेलर आपकी कंपनी के प्रति ट्रस्टवर्दी होता है। जब माउथ पब्लिसिटी आपकी कंपनी की कौन कर रहा होता है, रिटेलर ही तो है जो कस्टमर से जुड़ा हुआ होता है, तो ये इनडायरेक्ट सेल्स प्रमोशन है। तो अगर डिफरेंस पूछा गया तो ज्यादा बजट किसमें लगेगा, इसमें के इसमें, ज्यादा बजट हमेशा इसमें लगता है, इसका इंपैक्ट लेटर ऑन देखने को मिलता है। इसमें आपको डायरेक्ट टेक्निक अपनानी होती है, ऐसा नहीं कि आपने सोशल मीडिया पे ऐड दे दिया किसी होलसेलर को तो उसको अच्छा लगा, नहीं,
ये कैसा हुआ, जैसे कि पेट्रोल पंप गो गैस करके अभी उसकी फ्रेंचाइजी खुली हुई, गो गैस जैसे अपनी HPCL है, BPCL है, उनकी गो गैस की फ्रेंचाइजी आई हुई है। इनका जो जो कंटेनर है, मींस के जो आप कह सकते हो कि जिस पे गैस का फिलअप हो रहा है, वो प्लास्टिक बॉडी का है। मींस के वो जो गो गैस का टंकी आ रही, गैस की टंकी, वो काफ़ी लाइट वेट है, वो लाइट वेट है ताकि उसको इजीली एक जगह से दूसरी जगह कैरी किया जा सकता है। और वो प्लास्टिक है, वो अनब्रेकेबल प्लास्टिक काइंड है, वो कह रहे हैं कि सेम ड्यूरेबिलिटी है जो आपके लोहे के गैस के आ रहे हैं, जैसे HP BPCL के अपन, तो इसकी फ्रेंचाइजी खुली हुई। तो फ्रेंचाइजी के लिए एडवर्टीजमेंट इन्होंने न्यूज़पेपर में दिया, दिस इज सेम एज ट्रेड ओरिएंटेड एडवर्टीजमेंट प्रमोशनल टूल्स। लेकिन वहीं पे गो गैस एक बार एस्टेब्लिश हो गई और वो फिर कस्टमर को इसके बेनिफिट बताने लग गई, तो वो क्या कहलाएगा, कस्टमर ओरिएंटेड सेल्स टेक्निक। क्लियर हो गया ना, दोनों में सेम मीडियम यूज किया जा सकता है, लेकिन जो कस्टमर वाली है वो थोड़ी कम एक्सपेंसिव होती है, क्योंकि उसके अंदर ज्यादा वॉस पीपल अपन अचीव कर सकते हैं। लेकिन नॉर्मली जो ये कम लोगों के लिए होती है, होलसेलर रिटेलर के लिए कम होती है, लेकिन ये ज्यादा एक्सपेंसिव होती है, इसका इंपैक्ट कम देखने को मिलता है। कल उठ के कोई होलसेलर ने वापस बंद कर दिया, आप गोवा घुमा के आए, उसको गोवा पसंद नहीं आया, उसने बंद कर दिया। ठीक है, तो जोक सपाट, दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया, कौन सी टाइमली होगी, ये जो कस्टमर ओरिएंटेड होती मोर फ्रिक्वेंट होगी, मार्केट ट्रेड ओरिएंटेड लेस फ्रिक्वेंट होगी। देखो मैं तो ऐसे ही याद करा देता, अपन को बुक में जाने की जरूरत ही क्या है, बुक की सारी डिटेल पढ़ने की जरूरत क्या है। दोनों मैक्सिमम वैसे दोनों जो रहती है वो शॉर्ट टर्म के लिए यूज की जाती है, सेल्स प्रमोशन की टेक्निक। यहां पर सेल्स प्रमोशन टेक्निक है ना, हमेशा याद, वर्ड क्या यूज किया है, सेल्स प्रमोशन, यानी कि बेसिकली सेल्स जनरेट करनी है। ट्रेड में सेल्स जनरेट करने का मतलब कि नंबर ऑफ एडवर्टीजमेंट, नंबर ऑफ होलसेलर, नंबर ऑफ रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर ऑप्ट द सेम सर्विसेज, कि मेरे को पेट्रोल पंप खोलना है लेकिन HP का खोलना है, मेरे को फ्रेंचाइजी लेकिन होंडा की लेनी है, मेरे को सुजुकी की फ्रेंचाइजी नहीं लेनी। गेटिंग माय पॉइंट, दैट इज द बेसिकली आइडियोलॉजी। ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 11 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया गया, इसके साथ डिटेल वीडियो बताया गया, आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा, बहुत इजी और स्कोरिंग पेपर होता है ये, और अच्छा जाने की पूरी मेरे को आशा है। आप बहुत मेहनत भी कर रहे हैं और हमारी पूरी टीम की तरफ से बेस्ट ऑफ लक भी। मेरा पढ़ाने का तरीका कैसा लग रहा है, आपको समझ में आता है नहीं आता है, एक बार फीडबैक दिया करें तो हमारी टीम को अच्छा लगे, मुझे अच्छा लगे, कहीं इंप्रूवमेंट की कोई गुंजाइश रहे तो वो भी बताएं, हम भी उसको, मैं खुद पर्सनली उसको मोनिटराइज करता हूं, तो ज़्यादा अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। रही बात इस PPT की, तो जल्दी आपको मिलने वाली है अपने टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर, है ना। तो मस्त रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।